ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बल्लभ महाविद्यालय मंडी में एडमिशन का दौर जारी है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 जून थी। 25 जून से स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया गया, जिसमें एडमिशन कमेटी द्वारा विद्यार्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए गए। स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उन्हें एडमिशन के लिए कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्लीन चिट दे दिया गया है। बल्लभ महाविद्यालय मंडी में एडमिशन का दौर जारी है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 जून थी। 25 जून से स्क्रूटनिंग का कार्य शुरू किया गया, जिसमें एडमिशन कमेटी द्वारा विद्यार्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए गए। स्क्रूटनिंग की इस प्रक्रिया में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उन्हें एडमिशन के लिए कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्लीन चिट दे दिया गया है। अब इन विद्यार्थियों को 28 जून निर्धारित फीस कॉलेज प्रबंधन के पास जमा करवानी होगी। इसके अलावा अब कॉलेज में दूसरे चरण में एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्ट सेल करने का कार्य भी शुरू हो गया है। महाविद्यालय में एडमिशन का दौर पूर्ण होने पर जो सीटें खाली रह जाएंगी उन्हें एडमिशन के दूसरे चरण में भरा जाएगा। इस बार 5600 प्रोस्पेक्ट सेल हुए हैं, जबकि दूसरे चरण के प्रोस्पेक्ट सेल करने का कार्य निरंतर जारी है। एडमिशन के संदर्भ में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की एडमिशन कन्फर्म हो चुकी है उन्हें 28 जून तक एडमिशन कमेटी के पास अपनी फीस जमा करवानी होगी। बल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में पिछले कल तक 5600 प्रोस्पेक्टस बिक चुके हैं और आज भी प्रोस्पेक्टस जो है बच्चे खरीद रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद उनकी सीटें खाली रहेंगी तो उनको एडमिशन मिल जाएगी। पिछले कल हमने मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी है नोटिस बोर्ड के ऊपर और मैक्सिमम बच्चों ने वो लिस्टें देख भी ली हैं और आज से जो है फीस जमा कराने का दौर शुरू हो चुका है और ये दौर जो है 28 तारीख तक जारी रहेगा। 28 तारीख को ही हमने शाम तक जो बच्चे लेफ्ट आउट केसेस हैं उनके हमने फॉर्म कलेक्ट करने हैं और उन्हीं के एक मेरिट लिस्ट बना के उसको डिस्प्ले करके 29 तारीख तक ये प्रोसेस जो है कम्प्लीट कर देंगे। मेरिट लिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास बच्चों की हमने डिस्प्ले की हुई है और प्रोसेस जो है एडमिशन का जारी है। रोल नंबर सिस्टम से हमारी एडमिशन वो चली हुई है। इनका 27 से लेके इनके प्रोसेस जो है वो जारी है और 27 तारीख इनकी लास्ट डेट है, पर फिर भी हमने बच्चों की सुविधा को देखते हुए इसको 29 तारीख तक लेने का निर्णय लिया।